आज हम आपको झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के पचम्बा के बुढ़वा आरा का छठ पूजा दिखा रहे हैं। आरा तालाब को बोला जाता है। अभी हम गढ़ मोहल्ला पचम्बा से बुढ़वा आरा की ओर जा रहे हैं। छठ के कारण पूरी सड़क एकदम साफ है। लोगों ने अपने घर के सामने सड़क पर पानी छीट दिया है ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के आवागमन के समय धूल ना उड़े। अभी कुछ छठ व्रती छठ का डाला लेकर तालाब की ओर जा रहे हैं ताकि वे पूजा करके भगवान सूर्य को संध्या का अर्घ अर्पित कर सके। हमें छठ व्रती सिर पे केले का गोद लेकर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। छठ व्रती सिर पे डाला लेकर जा रहे हैं। डाला में फल पूजन सामग्री इत्यादि होते हैं। अब हम बुढ़वा आहरा के पास पहुंच गए हैं। काफी अच्छी सजावट की गई है। कुछ लोग छठ व्रतियों के डाला में फल डाल रहे हैं। अभी आप पंडाल के पास पीपल का यह जो पेड़ देख रहे हैं वह स्वर्गीय जीवलाल साव द्वारा वर्ष 1957 में लगाया गया था। स्वर्गीय जीवलाल साव को लोग जिप्पू के नाम से जानते थे। आप छठ घाट पे लगे हुए भगवान की मूर्तियों को देख रहे हैं। यहाँ भगवान सूर्य के अलावा भगवान शिव भगवान गणेश की भी मूर्तियां लगाई गई हैं। छठ व्रती के साथ परिवार के लोग सिर पे डाला लेकर आ रहे हैं। आप तालाब में लोगों को छठ पूजा करते हुए देख रहे हैं। कुछ महिलाएं अपने सिर पे छठ का डाला लेकर छठ घाट पे आई हुई हैं। कुछ श्रद्धालु संध्या अर्घ के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु अपने डाला को खोलकर पूजन सामग्री निकाल रहे हैं ताकि वे भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित कर सकें।
आसमान काफी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। श्रद्धालु छठ के लिए डाला लेकर छठ घाट पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु छठ का डाला लेकर कतारबद्ध होकर चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। छठ पूजा में शामिल होने के लिए बच्चे भी आए हैं, वे भी अपने माता पिता के साथ दिख रहे हैं। उन्हें संध्या का अर्घ अर्पित कर सकें। आप गुड़वा आरा के छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देख रहे हैं। श्रद्धालु पूजा की तैयारी कर रहे हैं और कुछ श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। छठवर्ती महिलाएं भी साष्टांग दंडवत होकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर रही हैं। छठवर्ती तालाब के पानी के अंदर खड़े हैं और लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं।
तालाब में एक नाव भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें बचाव दल के लोग हैं, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तुरंत बचाया जा सके। लोग छठ का डाला लेकर छठ घाट की ओर आ रहे हैं। छठ का डाला पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी लाते हैं।